चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो ना ही किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे, ना ही किसी सोशल इश्यूज पे, ना ही कोई एनालिसिस टॉपिक पे, या कुछ ऐसा बिजनेस रिलेटेड या कोई अदर वीडियोस नहीं है। ये वीडियो ऐसा है, मैं आपको एक सदस्य से मिलाना चाहता हूँ और मैंने ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है। दरअसल दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, उसके पीछे की वजह है जो बाल दिवस का दिन था, 14 नवंबर के दिन मैं सो रहा था अपने घर पे और उसी टाइम पे दोपहर में 2 बजे मुझे कॉल आता है और ये मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, हेलो बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ जिसने तुम्हारा नाम रखा है। जैसा ही इन्होंने ऐसा मुझे बोला, वैसे मैं एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि कभी भी मेरी इनसे बात नहीं होती है। लास्ट टाइम मैंने इनसे बात की थी 10 साल पहले और 10 साल बाद मुझे इनका कॉल आया था और 10 साल से इनके और मेरे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही सोशल मीडिया पे था, ना ही कहीं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये अपना फ़ोन चला रहे थे और इंस्टाग्राम में इनको अचानक मेरा वीडियो दिख गया और इसके बाद इन्होंने मेरा वीडियो अचानक देखा। ना तो ये मुझे कहीं फॉलो करते हैं, ना मैं इनको कहीं फॉलो करता हूँ, बट डायरेक्टली इनको मेरा वीडियो आ गया और इसके बाद इन्होंने देखा और बोले, इस लड़के की शक्ल तो दद्दा की जैसे मिलती है। एक्चुअली मेरे फादर को उनके फ्रेंड सर्कल में उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको दद्दा ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, इसकी शक्ल तो दद्दा जैसी मिलती है। तो उन्होंने मेरे फादर को कॉन्टैक्ट किया और फ़ोन लगाया मेरे फादर को, मेरे फादर से मेरा नंबर लिया, बोला रोहित का नंबर, तो मुझे रोहित से आज बात करनी है। मुझसे बात किया, मुझसे बात करने के बाद में उन्होंने मुझसे बताया, फ़ोन किया, यही सारी चीज़ें कि मैं बेटा वही हूँ अंकल। उन्होंने मुझे अपना पूरा नाम बताया और मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि मुझे उनके बारे में उनका सिर्फ निकनेम मालूम था, उनका एक्चुअली में जो पूरा नाम है वो मुझे नहीं पता था। तो मैं थोड़ी देर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहा, फिर इसके बाद में जैसे ही उन्होंने मुझे अपना निकनेम बताया तब मैं जाके समझा, फिर मुझे थोड़ा बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की, फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एकदम से नींद से उठ गया और फिर इसके बाद में काफ़ी देर तक उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनका स्वास्थ्य वास्थ जाना, सारी चीज़ें बात हुई। तो दोस्तों, मैं आपको इनका एक शॉर्ट परिचय दे देता हूँ। इनका नाम है हरसिमरत सिंह होरा और ये एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इनके पास में हजारों की संख्या में गीतों का संकलन है और ये मोहम्मद रफ़ी और किशोर की आवाज़ में गाने गाते हैं। आप जब इनके गाने सुनेंगे तो आपको उन्हीं मोहम्मद रफ़ी और किशोर की धुन है, जो किशोर की राग है। दोस्तों, ना ही कोई प्रमोशन वीडियो है, ना ही कोई पैड वीडियो है, बस मैं ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि आप इन शख्स से मिल सके। और इन्होंने अभी हाल ही में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं। तो ये अपने खुद के वॉइस में ये गाने डालते हैं, अपलोड करते हैं, रील्स बनाते हैं, इसमें वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जाके इनको सपोर्ट करें और जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे एक बार में, ना ही कोई ऑडियो है, ना ही कोई म्यूजिक है, सिर्फ अपनी ये सॉफ्ट वॉइस में ये गाने गाते हैं, क्लासिकल सॉन्ग गाते हैं सिर्फ। और आप जब इनके गानों को सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके गानों को बहुत पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज़ जाकर के इनके गानों को चेकआउट जरूर करेंगे। इनकी आईडी है हरसिमरत सिंह होरा, आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जाके आप सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इनके वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। और आप इनके वीडियो को प्लीज़ एक बार जाकर जरूर चेकआउट करिएगा और इनके जो भी वीडियोज़ हैं, सारी वीडियो को आप लोग जब सुनेंगे तो आपको फील होगा कि जो क्लासिकल सॉन्ग है, कहीं ना कहीं जो आजकल के जो ये मॉडर्न सॉन्ग आ रहे हैं उनसे बहुत बेहतर सॉन्ग है। आजकल के हम जैसे नए लड़के वो पुराने सॉन्ग को एकदम से, क्लासिकल सॉन्ग को इग्नोर करते हैं और जो नए नए सॉन्ग आ रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में उनको सुन के हम मनमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जा करके ये सारे सॉन्ग्स को सुनें और उनकी वीडियोस को खूब सारा अपना प्यार दें और प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और मेरी आपसे यही बस रिक्वेस्ट है और प्लीज़ आप जा करके उनको एक बार जरूर चेकआउट करें और एक बार उनको खुशी होगी उनको इस बात की। और उन्होंने मुझसे ऐसा बोला नहीं है बट मैं डायरेक्टली मुझे खुशी हो रही है कि मैं उनको एक बार मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ उनको कि किसी तरीके से उनको उनकी जो पहचान थी। और थोड़ा सा हाँ, मैं उनके बारे में और बता देता हूँ कि साथ में एक दुर्घटना भी बहुत बड़ी घटित हुई है। जब इनका कैरियर पीक पे था, ये काफ़ी शो भी करते थे, बांदा में, बांदा के रहने वाले हैं मेरे होम टाउन के, तो वहीं बांदा जिले के रहने वाले हैं, वहीं बांदा में इनका जो बांदा का सबसे बड़ा ग्राउंड था, GIC स्कूल था, वहीं पे ये काफ़ी बड़े बड़े शो करते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टीज़ में उनको बुलाया जाता था। और इनका निकनेम मुन्ना है, तो ये मुन्ना अंकल को कई जगह बुलाया जाता था और कई जगह इनको इनवाइट करते थे, काफ़ी शो करते थे। उसी टाइम पे इनके साथ में एक ट्रेजेडी हो जाती है, इसके बाद में ये इनका सारा गाने वाने का सारा जो भी था सब बंद हो जाता है और एकदम से ये अपना
और सारी चीजें इनके फिर रुक जाती हैं वहीं पे। तो और इनके जो कैरियर का सफर था ये वहीं पे रुक जाता है, थमसा जाता है इसके बाद में। लेकिन इन्होंने फिर अब हिम्मत नहीं हारी है सोशल मीडिया का, जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया तो इन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया का ही उपयोग किया जाए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने सोचा कुछ नेक चीजें हैं जहां तक लोगों को मैं अपनी वॉइस नहीं पहुंचा पा रहा हूं, अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। तो उन्होंने वही एक सोच के साथ में, एक उम्मीद के साथ में, एक नई राह के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज जाकर के उनको बढ़ावा दें, उनका हौसला बढ़ाएं और हम सभी उनके लिए कुछ ना कुछ अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आप लोग प्लीज जाकर के चेकआउट करें हरसिमरत सिंह होरा जी को। धन्यवाद। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से